अस्सलामु अलैकुम। हाय, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है। मैं आपको आज ड्रॉप शेडो पढ़ाऊंगा। ड्रॉप शेडो को पढ़ने के लिए हमें मेन्यू में आना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। वो आप देख सकते हैं कि हमारा पहला ही टूल ड्रॉप शेडो है। देखिए, इसके वर्ड से हमें समझ आ जाता है कि इस टूल का फंक्शन क्या है। ड्रॉप मीन्स छोड़ना, शेडो मीन्स साया। तो किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट का साया को छोड़ सकते हैं या तो अपने ऑब्जेक्ट का साया बना सकते हैं, आज हम इस लेक्चर के अंदर देखते हैं। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और फिर उसी का हम साया बनाएंगे। स्टार, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक स्टार ले रहा हूँ। उसके बाद मैं जाऊंगा टूल बॉक्स में और मेरा ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर दूंगा। अब देखें, जैसे मैंने क्लिक किया है, अब वो देखें किस मैं से पूछ रहा था कहाँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस जाऊं और जैसे मैंने क्लिक किया, देखें वो बोले आपको शेडो कहाँ पे चाहिए, इस साइड पे चाहिए, इस साइड पे चाहिए या इस साइड पे चाहिए। मैंने बोला इस साइड पे चाहिए। वो आप देखा कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसका बिल्कुल शेडो मतलब साया है। इसके साथ साथ हम हमारे थोड़े से प्रॉपर्टीज़ खुल गई हैं इसकी ड्रॉप शेडो की, वो भी देख लेते हैं। पहला हमारे पास है प्री सेट। प्री सेट क्या है, देखिए ये बड़ा दिखा रहा है। आप अगर आप यहाँ आके देखें यहाँ पे, तो आपको दिखा रहा है कि ये बने बने प्री सेट भी बने बनाए। प्री सेट मीन्स बने बनाए चीज़ें हैं। तो आप इसकी मदद से अगर आपको अपना खुद का नहीं बनाना है तो आप बने बनाए भी ले सकते हैं। देखिए बना बनाए कोल्ड रूम बने बनाए पड़े हुए हैं, आपको जो पसंद आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है कि एड प्रीसेट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहें कि आपने जो अभी बनाया है उसको अगर आप सेव करना चाहें तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि ड्रॉप शेडो का एंगल। ड्रॉप शेडो का एंगल, अब देखें मैं अगर इसका एंगल चेंज करना चाहूँ अगर, तो यहाँ से मैं बआसानी यहाँ देख रहे हैं, तो मैं इसका देखें ड्रॉप शेडो देखें पीछे आ गया, तो इसकी मदद से मैं इसका एंगल को चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास है कि कितना स्ट्रेच करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ, अच्छा अब आप देख सकेंगे, देख रहे हैं। तो स्ट्रेच मीन्स खींचना, स्ट्रेच मीन्स खींचना। तो आप अपने ऑब्जेक्ट को कितना खींचना चाहते हैं तो यहाँ आपसे पूछ रहा है। उसके बाद हमारे पास है कि फेड, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूँ, अब देखिएगा अगर ये जीरो पे था पहले, अब मैं इसको कर देता हूँ 50। देखा, तो इससे क्या होगा, आप जितना बढ़ाते जाएंगे वो क्या होता जाएगा, ये इतना ही लाइट होता जाएगा इसका कलर। उसके बाद हमारे पास है कि ओपेसिटी। ओपेसिटी मींस कि इसकी विजिबिलिटी, मतलब फॉर एग्जांपल अब देखें ये भी अगर डार्क कर दें तो ये हमारे पास क्या होता है, विजिबिलिटी हो जाती है। जैसे अगर बात करें ओपेसिटी को, मैं इस तरह समझा सकता हूँ कि बात करें कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास टॉर्च लाइट है, सही, और आपके पास एक चार्जिंग लाइट है। फॉर एग्जाम्पल एक टॉर्च लाइट जो होती है इसमें एक बल्ब होता है, चार्जिंग लाइट थोड़ी बड़ी होती है। तो चार्जिंग लाइट टॉर्च में फ़र्क है नहीं है, आप बोलेंगे डेफिनेटली फ़र्क है सर, कि जब टॉर्च लाइट की बात करते हैं तो उसमें थोड़ी सी अमाउंट ऑफ आप समझिए कि लाइट नज़र आती है हमें, थोड़ी सी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आती है। और अगर हम बात करें चार्जिंग लाइट की तो वो ज़्यादा बड़ी होती है, कम से कम आधे हमारे रूम को क्या कर देती है, फिर कर। तो बेसिकली मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि ओपेसिटी में इसकी विजिबिलिटी कितना डार्क हो या कितना वो। उसके बाद हमारे पास है कि फैदिंग, अगर इसको आप ज़्यादा कर दे देखें तो ये क्या हो, देखा तो ये बिल्कुल धुंधला धुंधला, जितना आपको धुंधला करना हो आप यहाँ से धुंधला भी कर सकते हैं इसको, सही, इसको फेडिंग कहते हैं। अच्छा इसको हम जीरो ही कर देते हैं, हमारा काम जीरो पे। अब देखें कितना डार्क सा लग रहा है कि शेडो है ही नहीं, हमने कॉपी कर दिया। अच्छा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसका अल्लाह बोला करे, इसको कहते हैं कलर। अगर आप इसका शेडो का कलर क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे आप बआसानी यहाँ से वेरी इजीली आप यहाँ से क्या करते हैं इसका कलर चेंज कर सकते हैं, शेडो का, शेडो मीन्स साया का। उसके बाद आप क्या करना, अब सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, डार्क करना चाहते हैं, ह्यू करना चाहते हैं, या बहुत सारी चीज़ कलर कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई देखें दो कॉम्बी मिला देगा आपको, इस तरह कर देगा, आप बिहाइंड कर देगा, देखा। तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास बने बनेगा। उसके बाद हमारे पास है कि क्लियर ड्रॉप शेडो, मतलब अगर आपको ये ऑप्शन इस्तेमाल ना करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, तो आपका ड्रॉप शेडो नहीं आएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास ड्रॉप शेडो है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरी वेबसाइट पर आ सकते हैं www.navidpress.com। सो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अगली लेक्चर मिलते हैं।